हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा टिप्स बाय पंकज सर दे यूट्यूब चैनल ते तुहाडा एक बार फिर तो स्वागत है। अपनी आज दी वीडियो दे विच आपां लेसन हैप्पी प्रिंस दी शॉर्ट समरी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इंग्लिश टू पंजाबी ट्रांसलेशन और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी करांगे। चलो शुरू करते हाँ। परमात्मा का नाम लो और ये अपना लोगो सारे ने ध्यान च रखना है। जो विद्यार्थी इस चैनल से नवे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने इस चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लेना है और नाल दी नाल ये बैल आइकन का बटन जो है इसको भी प्रेस कर देना है, ताकि आने वाली जिन्हें भी शानदार वीडियोज इस चैनल पर अपलोड होनगियां उनका नोटिफिकेशन थोनू नाल दी नाल पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आप आज की क्लास। कहानी शुरू होंदी है एक अबाबील तो। एक पंछी है, इंग्लिश दे विच इहनूं बोलदे हैं स्वैलो। ये उड़दा होया मिस्र जा रहा है। रात नूं ये आराम करन वास्ते एक शानदार स्टैचू दे पैरां दे विच रुकण दा फैसला करदा है। बुत बहुत शानदार है, सोने दे पत्तियां नाल टकिया होया है। अखां दे वास्ते टू ब्यूटीफुल सफायर्स है, नीलम बोलते हैं उन्होंने। और जो उनकी शॉर्ट हिल्ट है, तलवार का जो मुठा है, उसके ऊपर भी रेड रूबी लग्या होया है। मतलब बुत बहुत शानदार बनया होया है। जो अबाबील सौन की कोशिश करता है रात को, तो अबाबील के उपर पानी दिया कुछ ड्रॉप्स डिग दिया है। अबाबील बड़ा हैरान होकर आसमान वाल देखता है कि आसमान के भी तो कोई बदल ही नहीं है। फिर वो ये देख के भी बड़ा हैरान होता है कि जो ड्रॉप्स है वो इस स्टैचू के आईज के विचों आ रही हैं। अबाबील उड़ के स्टैचू के मोढ़ियां ते बैठ के स्टैचू नूं क्वेश्चन करता है कि तुसीं क्यों रो रहे हो। स्टैचू आंसर दिंदा है कि जदों मैं जिंदा सी, ये राजकुमार का स्टैचू है। हैप्पी प्रिंस नूं आंसर दिंदा है कि जदों मैं जिंदा सी तां मैं खुशियां दे महल च रहिंदा सी। मैनू लोगों के दुख दर्द तकलीफों बारे कोई जानकारी नहीं सी, क्योंकि महल के दुख तकलीफों दाखिल होने ही नहीं दिता जाता सी। पर हुण जदों राजकुमार की मौत हो गई तो राजकुमार का जो बुत है वो शहर के उच्ची जगह पर एक वड्डे सारे थंब के उपर लगा दिता गया है। पर हुण ये सारे शहर दीयां मुश्किलां नूं देख लैंदा है और वह मुश्किलां इहदे आप दे लोगों दीयां है, इस करके ये रो रहा है लोगों नूं मुश्किलां दे विच देख के। हैप्पी प्रिंस की इन्नी उदारता देख के अबाबील उहदे कोल रुकण दा फैसला करता है। इन्हां दी दोस्ती हो जाती। फिर हैप्पी प्रिंस के आदेश के उपर सब तो पहला अबाबील जो रैड रूबी है उसनों उखाड़ के लै जाता है और एक सीमस्ट्रेस नूं दे दिंदा है, दर्जन नूं दे दिंदा है, जिसका बेटा बीमार है और वह ओरेंजस मंग रहा है, संतरे मंग रहा है। हैप्पी प्रिंस के ही आदेश से फिर वारी आती है सफायर्स तोड़न की। नीलम जो पहला है वह एक यंग मैन जो कि गैरेट के बैठ के प्ले लिख रहा है उसनों दे दिता जाता है। दूसरा सफायर जो है वह मैच गर्ल नूं दे दिता जाता है, जिस दियां मैचिस जो माचिस दियां तीलियां है वह गटर दे विच गिर गई और सारिया खराब हो गई। वह घरे इस करके नहीं जा रही क्योंकि उन्हें डर है कि उनके पिता जी जो है वह उसनों मारनगे। और फिर जदों दोने सफायर लोगों के वंड दिते जाते हैं, प्रिंस अखा तो अन्ना हो जाता है, तो अबाबील हमेशा दे लई प्रिंस नाल रहने का फैसला करता है। फिर प्रिंस के ही कहने जो उनकी बॉडी के उपर बहुत सोने सोने के जो पत्रे लगे हुए है वह उन्होंने एक एक करके गरीब लोगों के वंड दिता है। सर्दियाँ आ जाया है, छोटा जा अबाबील सर्दी नहीं सहार सकता और उन्होंने सर्दियों के मौत हो जाती है। जिस रात अबाबील की मौत होंगी है, जो उनकी मौत होंगी है, तो बुत के लग्या लैड हर्ट सीसे का दिल वह भी टुट के दो टुकड़े हो जाता है। शहर के मेयर के कहने बुत गिरा दिता जाता है, तोड़ दिता जाता है। स्वर्ग के बैठा परमात्मा एंजल नू भेजता है
ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਐਂਜਲ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਬਾਬਿਲ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਲੈਡ ਹਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਰੂਬੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਰੈੱਡ ਰੂਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੀਮਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਓਰੇਂਜਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਸਟ ਸਫਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯੰਗ ਮੈਨ ਨੂੰ ਜੋ ਗੈਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਲੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਸਫਾਇਰ ਹੈ ਟੋਟਲ ਦੋ ਸਫਾਇਰ ਸੀ ਨਾ ਆਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਫਾਇਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਚ ਗਰਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗੋਲਡ ਲੀਵ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਵਰ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਦ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬੂੰਦਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਦ ਡ੍ਰੌਪਸ ਵਰ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਦ ਸਨ ਆਫ ਦ ਸੀਮਸਟ੍ਰੈਸ ਵਾਸ ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਇਜਿਪਟ ਸੀਮਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਜਿਪਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਾਲਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇਜਿਪਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਓਰੇਂਜਸ ਤਾਂ ਪਾਲਦਾ ਸੀ ਸੰਤਰੇ ਇਜਿਪਟ ਤਾਂ ਅਬਾਬਿਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਪੂਅਰ ਸੀਮਸਟ੍ਰੈਸ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਦ ਡੈਸ਼ ਬਾਈ ਦ ਸਵੈਲੋ ਪੂਅਰ ਸੀਮਸਟ੍ਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਦਰਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵੈਲੋ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਬਾਬਿਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੈੱਡ ਰੂਬੀ ਕਿਹੜਾ ਰੂਬੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਰੈੱਡ ਰੂਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੂ ਆਰਡਰ ਟੂ ਪੁੱਲ ਡਾਊਨ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਦਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਰਡਰ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਦਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਾਸ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਵਿਦ ਡਾਇਮੰਡਸ ਕਿ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਜੋ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਮੰਡ ਨਾਲ ਡੈਕੋਰੇਟ ਸੀ ਫਾਲਸ ਇਟ ਵਾਸ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਵਿਦ ਥਿਨ ਲੀਵਸ ਆਫ ਫਾਈਨ ਗੋਲਡ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਕੋਰੇਟ ਸੀ ਥਿਨ ਲੀਵਸ ਆਫ ਫਾਈਨ ਗੋਲਡ ਹੂ ਵਾਸ ਸੈਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਟੂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਸ ਥਿੰਗਸ ਫਰੋਮ ਦ ਸਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਐਂਜਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦ ਮੈਨ ਇਨ ਦ ਗੈਰਟ ਵਾਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਮੈਨ ਜੋ ਗੈਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਲੇ ਦ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਲੈਸਨ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਆਸਕਰ ਵਾਈਲਡ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਲੈਸਨ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਸਕਰ ਵਾਈਲਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਵੀਪਿੰਗ ਦੈਨ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਵੀਪਿੰਗ ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵਰਡ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਅਬਾਬਿਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਪੁੱਲਡ ਡਾਊਨ ਦ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਦ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆਈ ਐਮ ਵੇਟਡ ਫੋਰ ਇਨ ਇਜਿਪਟ ਇਜਿਪਟ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਵੇਟਡ ਫੋਰ ਇਨ ਇਜਿਪਟ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੋਲਡ ਹੇਅਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ
इट इज वेरी कोल्ड हेयर, इत्थे बहुत ठंड है। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, हैव पोजेशन वास्ते यूज किया जाता है, अधिकार जता रहा है इत्थे। तां अब बिल खुश होके की कहता है, मेरे कोल एक सुनहरी बेडरूम है। बेडरूम हुंदा है सौन वाला कमरा। अबाबिल कहता है मेरे कोल एक सुनहरी सौन वाला कमरा है। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान विच एक भी बदल नहीं है। लगता ना कि ड्रॉप्स कितों आई, क्योंकि आसमान दे विच तां एक भी बदल नहीं है। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई। Then another drop fell, and other, एक होर बूंद डिग पई, फिर एक होर बूंद डिग पई। My courtiers called me the happy prince. Courtiers, court दे विच जेहड़ा दरबार लग्या हुंदा राजे दा, उहदे आसे पासे बैठे हुंदे दरबारी हुंदे है, उह happy prince दा स्टैचू कह रहा है, मेरे दरबारी मैनू happy prince कहते सन। पास्ट की गल है, सैकेंड फॉर्म लगी हुई है पास्ट। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, मैं तुहानू अलविदा कहन आया हाँ। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, कई बार गुड बाय कहन आता होंदा है अबाबील हैप्पी प्रिंस नू। हाउ हंगरी वी आर, असी किन्ने भुखे हाँ। जो गरीब बच्चे है जेडे जिन्होंने खाने कुछ नहीं मिल रहा, वो गल करते हैं कि असी किन्ने भुखे हाँ। हाउ हंगरी वी आर, तो ट्रांसलेशन इत्थे खत्म हुंदी है। हाँ जी, जिन्ना भी बच्चों को टैलीग्राम ऐप है तो उत्थे भी तुसी अपना शिक्षा टिप्स बाय पंकज सर चैनल जिहड़ा है जरूर ज्वाइन कर लेना है। जो मैं इत्थे पीडीएफ पढ़ा रहा हाँ, ये मैं टैलीग्राम और वट्सएप ग्रुप दे विच तुहाडे लई शेयर जरूर करूँगा। हुण आपां करांगे बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टैंड, हैप्पी प्रिंस का बुत कित्थे खड़ा सी। तो तुसी देखोगे ध्यान नाल, शहर दे विच उपरले पासे एक थंब दे उपर खड़ा सी। इट स्टूड ऑन अ हाई कॉलम अबव द सिटी, शहर दे बाहरले पासे उपर एक थंब दे उपर इस बुत नू खड़ा दिता गया सी। यू कैन सी दिस इन इमेज, बुत कित्थे सी, एक उच्चा सारा बुत एक थंब दे उपर खड़ा है जिथों उन्हों सारा शहर दिखाई दे रहा सी। हाउ वॉज द स्टैचू डेकोरेटेड, स्टैचू नू किवें सिंगारिया गया सी, डेकोरेट किवें कीता गया सी। द स्टैचू वॉज डेकोरेटेड विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। तुसीं इत्थे देखोगे बेटे ध्यान नाल, आ पिक्चर तुसीं देखोगे तां एक गोल्डन कलर की पिक्चर तुहानूं दिखाई दे रही है। इहदे उपर सारे दे उपर की लग्या सी, बहुत बरीक सोने के पत्रां नाल ढकिया होया सी। इट हैड टू ब्राइट सफायर्स फॉर इट्स आईज, अखां दे लई दो बड़े सोहने सोहने नीलम सन, चमकदार नीलम सन अखां दे लई। देयर वॉज अ लार्ज रूबी ऑन इट्स सॉर्ड हिल्ट, तलवार के मुठे के उपर एक रैड रूबी सजाया गया सी। तो बुत जो है सोने के पत्रां नाल सजाया गया सी, तलवार के मुठे के उपर रूबी सी और अखां दे लई दो चमकदार नीलम सन। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन, वेयर वॉज द स्वैलो गोइंग, जो कहानी शुरुआत शुरू पढ़िया सी स्वैलो उड़ता होया कित्थे जा रहा सी। द स्वैलो वॉज गोइंग टू इजिप्ट, अबाबील मिस्र जा रहा सी क्योंकि इहदे दोस्त सारे चले गए। वेयर वर द ड्रॉप्स कमिंग फ्रॉम, बूंदा कित्थों आ रही सन। द ड्रॉप्स वर कमिंग फ्रॉम द आईज ऑफ द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, बूंदा हैप्पी प्रिंस के बुत दियां अखां विचों आ रही सी। ये अपां ऑब्जेक्टिव टाइप दे विच भी कीता है, ड्रॉप्स वर कमिंग फ्रॉम द आईज ऑफ द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। व्हाई वाज द हैप्पी प्रिंस क्राइंग, हुण सवाल यह है कि हैप्पी प्रिंस रो क्यों रहा सी। द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस हैड बीन सैट अप वेरी हाई, बुत जो सी हैप्पी प्रिंस का उन्होंने काफी उच्चा करके लगाया गया सी। He could see all the sorrows and miseries of the city people. वो अपने शहर के सारे लोगों के दुख दर्द देख सकता सी। It made him cry. इस करके उसनू रोना आ गया।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਐਪੀਪਨਸ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾਈ ਵਾਸ ਦ ਸੀਮਸਟ੍ਰੈਸ ਦ ਲਿਟਲ ਬੋਏ ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਸੀਮਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦ ਲਿਟਲ ਬੋਏ ਵਾਸ ਇਲ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਫੀਵਰ ਹੀ ਹੈਡ ਫੀਵਰ ਉਸਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਹੀ ਵਾਸ ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਫੋਰ ਔਰੇਂਜਸ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦ ਲਿਟਲ ਬੋਏ ਵਾਸ ਇਲ ਹੀ ਹੈਡ ਫੀਵਰ ਹੀ ਵਾਸ ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਫੋਰ ਔਰੇਂਜਸ ਉਹ ਸੰਤਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵਾਈ ਵਾਸ ਦ ਮੈਚ ਗਰਲ ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਮਾਚਿਸਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਚ ਗਰਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ The match girls in matches had fallen into the gutter. Match girl ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ matches ਹੈ ਉਹ gutter ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ They were all spoiled. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ That was why she was crying. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਘਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ The match girls in matches had fallen into the gutter. They were all spoiled. Why he was crying. ऐसे करके वो रो रही थी Why was the statue of the happy prince pulled down? Happy prince ने बुत नू क्यों गिरा दिता गया क्यों सिट दिता गया या क्यों तोड़ दिता गया कारण की सी उहदा तुसीं पहला देखिया सी कि वो गोल्डन कलर का स्टैचू सी है ना पूरा गोल्डन कलर का स्टैचू सी आपां इत्थे देखिया सी देखो इहने एवें एवें डेकोरेट किया गया सी कितना गोल्डन शानदार स्टैचू है हुण इहनू क्यों गिराया गया उहदे गिराउण दा कारण इह है द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस हैड लॉस्ट ऑल इट्स गोल्ड हुण इहदा सारा जो सोना है वह यह गवा चुकिया सी लोकां दे विच वंड के इट्स रूबी जिहड़ा सॉर्ड हिल्ट दा रूबी सी और एंड सफायर जो अखां दे नीलम सी हुण इह सारे इहदे कोलों दूर जा चुके सन Now it looked dull and grey. पहले कितना चमकदार दिख रहा सी ना गोल्डन गोल्डन और होने की दिख रहा सी बिल्कुल पद्दा ते पूरा बिल्कुल गंदा दिखाई दे रहा सी क्योंकि सोने के पत्रे भी चले गए जिस चीज नाल उन्हें डेकोरेट किया गया सब चला गया Therefore it was pulled down. होने सुंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा सी इस करके इसनू थले फुट दिता गया या तोड़ दिता गया The statue of the happy prince had lost all its gold, its ruby and sapphires. Now it looked dull and grey, therefore it was pulled down. Next question dekho. What were the two most precious things in the city? Shehar de vich do sab to anmol cheezan kehdiyan san? Dasso karo answer. Very good. The two most precious things in the city were the dead swallow, marya hoya, ababil. And the broken lead heart of the happy prince. सीसा lead जो है वो एक सीसा है उसका नाम है और वो दिल से जरा जरा टूट के दो टुकड़े हो गया सी जो पहले दी डेथ हुंदी है तो ये दो चीजा शहर दे विच सब तो कीमती चीजा आज दी वीडियो दे विच बेटा इन्ना ही आई होप के तुहानू वीडियो समझ अच्छी तरह लगेगी और तुहानू वधिया भी लगेगी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो नू लाइक चैनल नू सब्सक्राइब और वीडियो नू शेयर करना ना भूलना जल्द मिलांगे नवी वीडियो दे नाल पढ़ते रहो मस्त रहो स्वस्थ रहो थैंक यू